अगर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जवाब में बीजेपी बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत की एक बड़ी वजह उसका वही ओबीसी वोट बैंक है। पार्टी मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का करिश्मा एक बार फिर से दोहराना चाहती है और इसके लिए चुनावी चौसर पर उसने अपना पासा भी फेंक दिया है। यह भला कौन नहीं जानता कि बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे को तमाम विरोधी पार्टियां इन दिनों ओबीसी नाम के औजार के जरिए फुस करने के लिए दिन रात एक कर चुकी हैं। बीजेपी बड़ी शिद्दत से इसका काट ढूंढ रही थी, मगर इससे पहले कि जवाबी हथियार को वो ढूंढ पाती, उससे पहले ही हथियार खुद ढूंढता हुआ मानो इनके हाथों में आ गया। ये बात अलग है कि जब आयोग की कुर्सियों पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के नाम की पर्ची लगी हो तो यह सियासत का कोई संयोग कम और राजनीति का प्रयोग ज्यादा होता है। बहरहाल, आप पहले देश के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का ये बयान सुनिए। 179 जातियों में से 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी की हैं, बचवी जातियां जो है हिंदू ओबीसी की है। ये बड़ा सबसे बड़ा अंतर है, 61 जातियां हैं, उसमें भी उन्होंने बायफर्केशन किया है। कि सरकार को हम ये बता रहे हैं कि बैलेंस इनबैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करो, क्योंकि संविधान में सभी को समान अधिकार दिया है। देखिए, ऐसा नहीं कि जहाँ पर 70% मुस्लिम हिंदू रहते हैं और 27% मुस्लिम रहते हैं और वहाँ पर 90% अगर मेडिकल के छात्र अगर मुस्लिमों के जा रहे हैं और 8% अगर हिंदुओं के बच्चे छात्र मेडिकल में जा रहे हैं, तो ये अनजस्टिस है, ये अन्याय है, ये छल है, ये जानबूझ के किया है। नहीं करेंगे हम इस पर जो अगले स्टेप लाना है, राष्ट्रपति महोदया ने हमें अधिकार दिया है, बिठाया है अधिकार दे के, उनके बाद हम शिकायत करेंगे, तरीके से करेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला है। इनकी माने तो बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों की वजह से पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, इससे यहां ओबीसी से ज्यादा मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। दावा तो यहां तक है कि बिहार, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी गड़बड़ियां हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये सभी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। ऐसे में बीजेपी को ये मुद्दा लपकने में भला कितनी देर लगती। शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष ने खुद की। ओबीसी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग विशेष के लिए जो संवैधानिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के दिए गए हैं, उसका बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है, उनके हितों का। जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा पिछड़ाओं के हितैषी बनकर वह जातिगत जनगणना के पक्षधर बने रहे हैं, वह सरेआम उनके हितों की का हनन कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटे थे। अब बीजेपी को उन पर जवाबी हमले का हथियार मिल चुका है, इसलिए उसके नेता इस मसले को किसी भी तरह से गरमाए रखना चाहते हैं। खासकर इस साल के आखिर तक, जब देश के तीन बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जब ओबीसी वोटर्स बड़ी भूमिका निभाने वाले हों, तब तक तो मुद्दे को जिंदा रखना जरूरी हो ही जाता है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 135 से ज्यादा पर ओबीसी वोटर ज्यादा हैं। लोकसभा की 25 सीटों में आधे से ज्यादा पर ओबीसी वोटर्स निर्णायक हैं। मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। ये विधानसभा की 230 में से आधी से ज्यादा सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं। उसी तरह ये लोकसभा की 29 सीटों में से 2/3 से ज्यादा सीटों का फैसला करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी करीब 47% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। साफ है कि पहले विधानसभा चुनावों और फिर देश के लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोटर्स हमेशा की तरह निर्णायक भूमिका तो निभाएंगे ही, मगर बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के बराबर विरोधी इस वोट बैंक को खड़ा कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।